रेलवे का अभी तक जितने दिन का भी एग्जाम हुआ है, 17 अगस्त को ना हम आपको 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ दिए थे, एक घंटा का वीडियो था। 17 अगस्त को एग्जाम स्टार्ट होने से ठीक सुबह 5:30 बजे ये वीडियो मैंने आपको दिया था। 17 को एग्जाम हुआ, 18 को एग्जाम हुआ, 22 तारीख को एग्जाम हुआ, 3 दिन में। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से निकलते होंगे तो बताते होंगे ये क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है। बहुत सारे चैनल वाले आपको रिव्यू करते होंगे। आप ना किसी भी शिफ्ट का पेपर उठाकर देख लो और ये 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ देख लेना। 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो से मिलेगा आपको। भैया एग्जाम के बाद नहीं, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ये वीडियो मैंने आपको दिया था। मैंने बोला ना बाबू इस बार का पता नहीं, मुझे जीके ना बहुत आसान लग रहा है 18 वाले को अगर तुलना किया जाए तो। इस बार का रेलवे में जीके के क्वेश्चन बहुत आसान आ रहा है। आप बोलेंगे भैया एक क्वेश्चन तो वो पूछा, एक क्वेश्चन ये पूछा। बाबू ये 20 नंबर का पेपर है, आप 20 में 20 उठाने नहीं जा रहे। एक दो क्वेश्चन अगर बहुत डिफिकल्ट पूछ दिया, बहुत अंदर से पूछ दिया, तो आप एक क्वेश्चन को आगे दिखाकर ये नहीं बोल सकते कि पेपर बहुत हार्ड आ रहा है। आप बाकी के 17-18 क्वेश्चन देखो वो क्या पूछ रहा है। अगर आप 21 का करेंट अफेयर अच्छे से पढ़े हो, इस बार तो करेंट अफेयर भी पुराना नहीं पूछ रहा है, और जनवरी से लेकर जून तक का करेंट अफेयर 22 वाला अगर अच्छे से पढ़े हैं, और वो 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ, ऐसा भी हो सकता है कल उस पीडीएफ से क्वेश्चन ना आए लेकिन अभी तक आया है, आप कोई भी सिर्फ उठाकर देख लेना। अगर करेंट अफेयर अच्छे से पढ़े हैं और साथ ही साथ सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर मैं आपको लगभग 1.5 महीना से ये नोट्स दिया हूं, 1.5 महीना से, और मैंने बताया भी था इसके अंतर्गत से क्वेश्चन बनेगा। मात्र 99 में आपको ये पूरा नोट्स दिए थे सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। अच्छा इस 1000 क्वेश्चन का पीडीएफ ना मैं दोबारा डाल दूंगा सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाला जो ग्रुप है ना वहां पर, ठीक है। और एप्लीकेशन के ऊपर 99 में आपको ये सब पीडीएफ दिए थे, आर्टिकल, सेंसस, जनगणना, सीएम, गवर्नर, नोबेल प्राइज, गेम, ये जितने भी टॉपिक है देखो, इस सूचांक से क्वेश्चन आया, इससे आया, इससे क्वेश्चन आया, ओलंपिक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बना आपके एग्जाम में, एक्सरसाइज, डैम, रिवर, योजना, योजना से आज क्वेश्चन बना, बैटल से क्वेश्चन बना, कमीशन से क्वेश्चन बना, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बना। देखो 36 टॉपिक दिए हैं और 36 टॉपिक का मतलब होता है 36 क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोलता कि एक शिफ्ट में 36 क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन तो 20 ही है ना, लेकिन मैं ये बोलता हूं एग्जाम से पहले कम से कम आप वो टॉपिक पढ़ो जो टॉपिक आ रहा है, ये टॉपिक पढ़ लो, जितना जीके क्वेश्चन पढ़े वो काफी है, प्लस करंट अफेयर को अच्छे से कर लो। जीके इस बार मानो या ना मानो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, बहुत आसान आ रहा है। एक क्वेश्चन को आगे कर ये नहीं बोल सकते कि पेपर हार्ड आ रहा है। अब बाकी क्वेश्चन देखो, बाकी क्वेश्चन कितना आसान पूछ रहा है। हाँ इस बार कहीं अगर कुछ डिसाइडर होगा तो वो होने वाला है आपका, आप बोल सकते हो इस बार पेपर में भैया कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है वो जीएस हो रहा है, क्योंकि जीएस आप जिस लेवल का पढ़ कर गए वो लेवल का नहीं आ रहा है। 9-10 के बेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, जिनका बेसिक बहुत अच्छा है वो इस बार जीएस में ना बाजी मार लेगा, गारंटी है मेरा। जिनका 9-10 का बेस अच्छा है इस बार वो जीएस में बाबू बाजी मार लेगा, ये सच्चाई है। जो पेपर देकर निकल रहे उनसे ही पूछ लो कि भैया क्वेश्चन कितना भी घुमाए जिनका बेस अच्छा है, अच्छा हर चैप्टर पर थोड़ा बहुत पकड़ है ना, ये जीएस में इस बार वही बाजी मारेगा भैया, ठीक है।